सनी देओल आजकल अपने सिनेमैटिक कमबैक को जोरदार तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। एक तरफ वो लाहौर 1947 के कुछ पार्ट को रिशूट कर रहे हैं बिकॉज आमिर खान ने उनको सजेस्ट किया है कुछ पार्ट में एडिशनल वैल्यू जोड़ी जाए। ये बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है बिकॉज सनी देओल इससे पहले अपनी फिल्मों को रिशूट करने से मना करते थे, अब वो अपने कैरियर को लेकर बहुत सीरियस हैं। साथ में आमिर खान को बतौर प्रोड्यूसर पूरा रिस्पेक्ट भी दे रहे हैं। आमिर खान ने राजकुमार संतोषी और सनी देओल की मूवी लाहौर 1947 कुछ रसेज देखे और मूवी के रसेज देखने के बाद उनको कुछ आइडिया आया कुछ पार्ट को रिशूट किया जाए ताकि मूवी और बेहतरीन तरीके से वर्कआउट कर सके। सनी देओल ने वैसे तो आमतौर पर अपनी पॉलिसी बना रखी है कि अपनी फिल्मों की शूटिंग के लिए वो फिक्स टाइम देते हैं, उसके बाद वो फिल्मों को रिशूट नहीं करते, अपने टाइट शेड्यूल के अंदर ही फिल्मों को कम्प्लीट करते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने बहुत तगड़े तरीके से अपवाद रखा है और अपने इस पूरे अपवाद को आमिर खान के लिए स्पेशली मेंशन किया है बिकॉज आमिर खान अपनी फिल्मों में परफेक्शन के लिए जाने जाते हैं, इसलिए आमिर खान के सुझाए गए आइडिए सनी देओल को बहुत पसंद आए और सनी देओल ने खुशी खुशी लाहौर 1947 के पार्ट को रिशूट करने के लिए कुछ डेट दे दी। हालांकि इस वक्त उनकी मूवी जाट को लेकर ज्यादा मामला गर्म है बिकॉज जाट पहली उनकी पैन इंडिया मूवी है जो कि तेलुगु के डायरेक्टर के साथ पूरी नॉर्थ इंडिया में गदर वाला मैजिक रिक्रिएट कर सकती है। हालांकि मजे की बात है इस मूवी का टाइटल बहुत टाइम तक हिडन रखा गया, पहले इसको SDGM बोला जा रहा था बिकॉज ये सनी देओल गोपीचंद मल्लिनी का प्रॉपर वेंचर था। कहा तो ये भी गया ये मूवी रवि तेजा के साथ बनने वाली थी, बाद में रवि तेजा की बैक टू बैक फ्लॉप फिल्मों के कारण सनी देओल ने इसमें उनको रिप्लेस कर दिया। हालांकि सारी बातें कोरियफा साबित हुई और रवि तेजा ने खुद बोला कि ये मूवी उनके साथ कभी बनने वाली नहीं थी। प्लस सनी देओल पहली बार किसी तेलुगु डायरेक्टर के साथ तेलुगु साथ मल्टी लैंग्वेज की फिल्मों में काम कर रहे हैं। मजे की बात दूसरी ये भी कि पहली बार उनकी मूवी का जो टाइटल जाट आया है वो उनके लिए बहुत सरप्राइजिंग है बिकॉज धर्मेंद्र अपने आप को हमेशा जाट बोलते रहे हैं, गांव का जट पुत्र बोलते हैं, उनका गाना भी मैं जट यमला पगला दीवाना और ये जट टाइटल उनके परिवार के साथ काफी टाइम से एसोसिएटेड है। इसके बावजूद पूरे परिवार ने आज तक किसी भी इस तरह की मूवी के टाइटल को ना तो एक्वायर किया, ना कॉपीराइट इकट्ठे किए, ना ही कभी इस तरह की मूवी प्रोड्यूस की। अजीब बात है कि साउथ का एक प्रोड्यूसर उनको लेकर आता है किसी तेलुगु मूवी के बैकग्राउंड में और टाइटल लगता है उनके शुद्ध खाटी पंजाबी बैकग्राउंड का जाट। इस तरीके से सनी देओल पहली बार अपने परिवार के ऑफिशियल टैग को यूज करेंगे और धर्मेंद्र को जाहिर सी बात इस बात पर बहुत प्राउड होगा, आखिर उनके परिवार में कोई बंदा तो ऐसा है जो सिख और जाट के रोल को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करता है। सनी देओल ने गदर में पगड़ी पहनकर सिख समुदाय को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया और अब जाट बनकर वो अपनी पूरी पंजाबी कम्युनिटी को प्राइड से भर देंगे। अभी तक जाट की जो भी टीजर स्टोरीज फोटो आए हैं उसे देखकर लगता है सनी देओल एक्शन से पूरा पावर पैक मसाला पब्लिक के सामने परोसने वाले हैं और जिस तरीके से आजकल एक्शन की पूरी तरीके से धारदार बातें चल रही हैं लगता है कि एक्शन को नए तरीके से वो रिस्टैब्लिश करेंगे। अभी तक हम पुष्पा का KGF का सालार के एक्शन देख चुके हैं, अब सनी देओल का जाट अंदाज देखने के लिए हो जाइए रेडी बिकॉज जाट पहली बार अपने ओरिजिनल सरनेम के साथ उतरा है वो भी बिगेस्ट पैन इंडिया ग्राउंड पर। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक करना शेयर करना कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।